नमस्कार दोस्तों, आज हम घूमेंगे मुड़वानी इको पार्क। चलिए इससे पहले हम जाएंगे थोड़ा ज्वालामुखी, इसके बाद होते हुए बिंदनगर होते हुए हम आएंगे जयंत मुड़वानी इको पार्क। देख सकते हैं मुड़वानी इको पार्क की सुंदरता कुछ इस प्रकार है। तो चलिए हम चलेंगे अपनी गाड़ी से, कुल चार लोग चलेंगे, तो इस प्रकार से सुंदरता को देखने कौन नहीं आएगा। आप भी आ सकते हैं, आएंगे तो यह पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए पहले गए शोरूम में अपने दोस्त को लेने, कुछ सेल्फी हुई, पहुंच गए यहाँ पर ज्वालामुखी मंदिर में, कुछ फ़ोटो लिया गया, इसके बाद यहाँ पर कुछ ग्रुप सेल्फी ली गई। इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर जो ज्वालामुखी मंदिर का अट्रैक्शन केंद्र है, वहाँ के बाद हम आ गए चिल्का झील पार्क जो शक्तिनगर में है। अब हम पहुंच आए हैं मुड़वानी इको पार्क। मुड़वानी इको पार्क में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम यहाँ एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आई लव सिंगरौली का लोगो लगा हुआ है जो काफ़ी फोटो खींचते हैं, अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। हम यह चार दोस्त बोटिंग के लिए तैयार हैं। चलिए बोटिंग के लिए लाइफ जैकेट पहन के अब तैयार हैं, सीधे हम बोट में बैठेंगे। इंजन वाली बोट है जो बैटरी से चलती है। यहाँ पर हम सब दोस्त तैयार होके और प्रिपरेशन में हैं कि हम बोट में बैठेंगे। हालांकि हम नाव वाली बोट पर बैठे थे, लेकिन इंजन वाली बोट पर जो बैटरी चलती है फर्स्ट टाइम है। इस प्रकार से हम सभी दोस्त बैठ के तैयार हैं। तो चलिए हमारी बोट, यह जो चार दोस्त हैं टाइटैनिक जहाज को खोजने के लिए चल चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दूर से कुछ इस प्रकार से नज़ारा देखते हैं। हमारी बोट तैयार हो चुकी है, चालू हो चुकी है, जो सीधे अब झील के बीच में है। झीलों के बीचों बीच पानी को चीरते हुए यह आगे बढ़ रही है और हम सभी इंजॉय करते हुए इस प्रकार से देख सकते हैं कि उसका इंजन कुछ पीछे इस प्रकार रहता है और जो पानी को चीरते हुए और सीधे आगे निकल जाती है। हम चार के साथ एक छोटा सा बच्चा भी है जो सभी लोग इंजॉय करते हुए। हमें डर नहीं लग रहा था क्योंकि हमें पानी में नाव पर चलने की आदत थी, क्योंकि पहले हम बचपन में बहुत नाव की सवारी किए थे। इस प्रकार से काफ़ी तेज़ गति से हमारी बोट जाती हुई आगे, इस प्रकार से हम सभी लोग कभी फ्रंट कैमरे से कभी बैक कैमरे से हम सेल्फी लेते हुए वीडियो बनाते हुए हम सभी इंजॉय कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 30 रुपये शुल्क लगता है। इसके बाद आपको 30 रुपये एंट्री फीस के बाद यहाँ पर जो बोटिंग का शुल्क है वो 150 रुपये पर पर्सन है। 150 रुपये पर पर्सन बोटिंग का शुल्क है। यह हमारी सबसे पसंदीदा रील थी, जो हमने लिया था, काफ़ी अच्छा लगा था। और वहाँ पर शाम के मौसम में अगर जाएंगे तो कम से कम शाम के टाइम जाएंगे तो 6 बजे से पहले पहुँच जाए, क्योंकि 5 बजे के बाद जो बोटिंग का सिस्टम है बंद होने लगता है। लगभग 6 बजे तक वो इंजन वाली बोटिंग चलती है। पैडल बोटिंग भी है जो आपको 50 रुपये में पैडल बोटिंग सुविधा है, लेकिन वह जल्दी चालू नहीं करते। यह जो हमारी है 150 रुपये पर पर्सन की बोटिंग थी। हम यहाँ पर आ चुके हैं और काफ़ी इंजॉय करेंगे। 150 रुपये बोटिंग का चार्ज लगता है और 2 राउंड घुमाते। इस प्रकार से हमारे ड्राइवर महोदय चला रहे हैं और बोटिंग का इंजॉय ले रहे हैं। देख सकते हैं पानी इस प्रकार से काटते हुए और हम सभी को इंजॉय कराती है। दूर दूर से देखें तो पानी के बीचों बीच हम इस प्रकार पहुंच चुके हैं कि दूर से इस प्रकार का नज़ारा दिखता है। काफ़ी दूर बीच में पहुंच चुके हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने मस्त हैं, मस्ती में और देख रहे हैं। अब हमारी जो बोट है, समय ख़त्म होने के बाद हमारी बोट कुछ इस प्रकार से अब आएगी और किनारे लगेगी। देख सकते हैं कितना सुंदर दिखता है, जो हम लोग फिल्मों में देखते थे यहाँ पर रियल में देखने को मिल रहा है कि बोट हमारी इस प्रकार से आके किनारे लग रही है और हम सभी धीरे धीरे इस बोट पर से उतरेंगे। काफ़ी इंजॉयफुल था, काफ़ी आनंद आया घूमने में। आपको भी अगर इस प्रकार का आनंद लेना है तो आप आ सकते हैं जयंत मुड़वानी इको पार्क। और इस प्रकार से हम सभी उतर गए और एक दो सेल्फी लेने के बाद इंजॉय किए थोड़ा मोड़ा, और आपको बाहर से कुछ नज़ारा दिखा देते हैं। ये चारों दोस्त टाइटैनिक की खोज में निकले थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर बाहर से सीन दिखता है और यहाँ पर हम लोग सवारी किए थे। इस प्रकार से लगभग 6 बज चुका है, शाम होने को है, इसलिए यह अब बंद होने वाला है। आसपास का नज़ारा इस प्रकार से है, सामने दिख रहा जो यहाँ पर टिकट कटता है। इस प्रकार से एक सुंदर दृश्य का नज़ारा लेकर हम लोग खूब मनोरंजन किए और इसके बाद शाम को घर वापस आ गए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अगर इसके संबंधित आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।